दोस्तों देखिए, आज हमारे पास ये स्प्लेंडर बाइक आए हुए है और BS6 बाइक नहीं है, BS4 बाइक है। इसमें सारा चीज़ काम कर रहा है, इसका हॉर्न भी काम कर रहा है और इसका सेल भी काम कर रहा है और सारा चीज़ इसमें काम कर रहा है। सारा चीज़ हम चेक करके देख लिए हैं और जो इसका CDI है, CDI लगता है कि हमारा काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों इसमें प्रॉब्लम सबसे पहले आपको दिखा दूँ कि ये जो बाइक है इसमें हमारा करेंट नहीं बना रहा है। इसका चाबी हम ऑन किए हैं, चाबी ऑन किए हैं और सेल प्रेस करेंगे तो इसमें हमारा करेंट नहीं आएगा, देखिए करेंट नहीं आ रहा है, इसमें हमारा करंट नहीं आ रहा है। तो इसका सारा चीज़ हम चेक कर लिए हैं, इसका मैग्नेट कॉइल भी हम चेक कर लिए हैं, RR यूनिट भी चेक कर लिए हैं और इसका CDI भी चेक कर लिए हैं। हमको लग रहा है कि जो इसका CDI है, CDI इसका ख़राब है, जिसके कारण ये हमारे बाइक में करंट नहीं बना रहा है। मगर दोस्तों इसको चेंज करने से पहले इसको चेक करेंगे, नहीं तो अगर नया CDI हम ला रहे हैं, नया CDI ले करके अगर इसमें लगाएंगे और फिर भी इसमें हमारा प्रॉब्लम रहेगा, बाइक हमारा करंट नहीं बनाएगा, तो फिर जो पैसा होगा वेस्ट चला जाएगा। तो इसको हम नया CDI लगाने से पहले इसको चेक करेंगे, अगर इसमें प्रॉब्लम होगा तब जाकर के हम इसमें नया CDI लगाएंगे और लाइव प्रूफ आपको दिखाएंगे। तो चलिए मैं आपको लाइव प्रूफ के तौर पर दिखा दूँ, नहीं तो आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा दिया हूँ कि यहाँ से सेल्फ प्रेस करने के बाद में यहाँ पे हमारा करंट नहीं बना रहा है। उसके बाद में क्या चेक किया जाता है, तो दोस्तों मैं शॉर्टकट तरीका से समझाऊंगा। एक ही बार में जो मैग्नेट कॉइल है ये चेक करके दिखाऊंगा, एक ही बार में मैग्नेट कॉइल चेक करूंगा, उसके बाद में जो RR यूनिट है, RR यूनिट दोनों को एक ही बार में मैं चेक करके दिखाऊंगा, शॉर्टकट तरीका से दिखाऊंगा। अगर ज़्यादा वीडियो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो देखिए पहले ये चीज़ आप समझ लीजिए, जो हमारा व्हाइट कलर का वायर है, ये जो वायर है हमारा मैग्नेट कॉइल से जाता है इधर से हो करके और जाने के बाद में हमारा यहाँ पे RR यूनिट में जो व्हाइट कलर का वायर है उसमें करंट हमारा आता है। फिर उधर से जो हमारा RR यूनिट है इधर से हमारा फिर रेड कलर के बारे में यहाँ पे हमारा बैटरी के पास में या चाबी स्विच के पास में हमारा जो वो भेजता है करंट। तो इसका मतलब यहाँ हम चेक कर लेंगे, अगर जो बैटरी का टर्मिनल है डायरेक्ट हम यहीं चेक कर लेंगे, अगर यहाँ करंट आ रहा होगा तो हमारा मैग्नेट कॉइल भी सही होगा, RR यूनिट भी सही होगा। अगर यहाँ करंट नहीं आ रहा है तो फिर हम इसको चेक करके दिखाएंगे कि हमारा जो मैग्नेट कॉइल है वो ख़राब है या RR यूनिट ख़राब है। मगर हम चेक कर लिए हैं, यहाँ हमारा करंट आ रहा है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए लाइव प्रूफ के तौर पर दिखा रहा हूँ। तो चलिए जो बैटरी का टर्मिनल है इसको बाहर निकाल करके फिर दिखाते हैं, इसको इंडिकेटर से चेक करेंगे। इंडिकेटर से चेक करने के लिए जो इंडिकेटर का मेन वायर है रेड कलर का वायर, हम ये जो वायर है इसमें अटैच कर देंगे, अर्थ को बॉडी में अटैच कर देंगे और चाबी हम अपना ऑन रखें, चाबी ऑन रखें और उसके बाद में किक प्रेस करेंगे। किक प्रेस करने के बाद में इसमें हमारा करंट आना चाहिए। देखिए दोस्तों हमारा करंट आ रहा है, तभी जाकर के जो हमारा इंडिकेटर है वो जल रहा है। अगर ये इंडिकेटर हमारा नहीं जलता तो समझ जाते कि हमारा इसमें से करंट नहीं आ रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, इसका RR यूनिट चेक करते हैं और हम इसका मैग्नेट कॉइल चेक करते हैं। मगर इसमें हमारा करंट आ रहा है तो मैग्नेट कॉइल भी सही है, RR यूनिट भी सही है। तो उसके बाद में कौन सा वायर में चेक किया जाता है, अब इसके बाद में चेक किया जाता है जो CDI है। CDI में देखिए हमारा चार वायर है, यहाँ पे चार वायर इधर है और दो वायर इधर है। दोस्तों CDI बाहर निकाल दिए हैं, CDI बाहर निकालने के बाद इसमें हमारा चार वायर है, इसी में हमारा मेन है, इसको साइड में कर देंगे, इससे हमारा करंट का प्रॉब्लम नहीं रहता है। करंट का प्रॉब्लम हमारा इसमें होता है, इसमें देखिए रेड कलर का वायर है, जो रेड कलर का वायर है उसको चेक करेंगे कि इसमें हमारा करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हम इंडिकेटर की मदद से भी चेक कर सकते हैं और इसको हम एक तार ऐसे अटैच करके बॉडी में शॉर्ट करके भी देख सकते हैं। मगर इसमें शॉर्ट नहीं करेंगे, इसमें हमारा इंडिकेटर है हमारे पास, तो इंडिकेटर की मदद से चेक करेंगे। अगर इसमें हमारा करंट आ रहा है और उसके बाद में फिर बाहर करंट निकाल रहा है कि नहीं निकाल रहा है, सब चीज़ चेक करेंगे। इंडिकेटर का मेन वायर है, हम यहाँ पर वायरिंग में रेड कलर का वायर, इसमें हम इंडिकेटर का मेन वायर अटैच कर दिए हैं और चाबी आपको दिखा दें, चाबी इसका ऑन है, चाबी ऑन है। उसके बाद में जो इसका इंडिकेटर का वायर है यहाँ पे अर्थ देंगे, अर्थ देने के बाद में देखिए इसमें करंट आ रहा है, इसका मतलब हमारा इधर से इनपुट करंट आ रहा है, इसमें हमारा करंट आ रहा है CDI में, फिर CDI हमारा बाहर निकाल रहा है कि नहीं। तो दोस्तों इसमें जो करंट आता है रेड कलर के वायर में, इसमें करंट आता है और इधर से जो निकालता है हमारा, यहाँ पर आपको देखिए, आपको वायर दिखाई दे रहा होगा, देखिए हमारा ब्लैक पे येलो कलर का वायर है, यहाँ पे हमारा आया है, यहाँ पे बोतल कॉइल में आया है। तो इसमें हम करंट चेक करेंगे कि हमारा करंट बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो चलिए दोस्तों CDI हम इंस्टॉल कर दिए हैं और चाबी भी यहाँ से हमारा ऑन है, चाबी भी ऑन है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम सेल्फ प्रेस करके और जो हमारा यहाँ पर जो बोतल कॉइल है इसमें हमारा करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इसमें करंट नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पर हमारा CDI में प्रॉब्लम होगा। तो चलिए मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें हमारा करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमारा करंट नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों एक थोड़ा सा भी इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ हमारा करंट नहीं आ रहा है, देखिए यहाँ करंट नहीं आ रहा है और CDI हम चेंज कर देंगे और उसके बाद में नया CDI लगाएंगे और फिर से हमारा कहीं वही प्रॉब्लम हुआ तो क्या करेंगे, जो CDI है पहले इसको चेक करेंगे। तो CDI किस तरह से चेक किया जाता है उसको मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए CDI को इसको बाहर निकालते हैं, उसको चेक करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों CDI चेक करने के लिए मल्टीमीटर का जरूरत होगा, मल्टीमीटर तो हर एक बाइक के दुकान पर रखता है लोग। तो इसको क्या करेंगे, मल्टीमीटर का जो तीर का निशान है यहाँ पर हम कंटिन्यूटी मोड पर सेट करेंगे,
का इसमें साउंड सुनाई देगा, तो पहले मल्टीमीटर चेक करेंगे कि मल्टीमीटर हमारा ख़राब तो नहीं है। तो मल्टीमीटर चेक करने के लिए जो दोनों वायर है मल्टीमीटर का, इसको आपस में अटैच करेंगे तो इसमें से साउंड आएगा। देखिए देखिए साउंड आ रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें हमारा दो वायर है, अब मल्टीमीटर को इसी पर रखेंगे। और देखिए जो हमारा सीडीआई को, इसको हमको कनेक्ट, इसको चेक नहीं करना है, इसको चेक करना है तो सिर्फ चारों वायर में किसी में भी हमारा कनेक्शन आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो सीडीआई हमारा ख़राब है। अगर थोड़ा सा भी इसमें हमारा कनेक्शन आ रहा है तो इसको हम जो सीडीआई ख़राब नहीं है, तो इसको चलिए चेक करके आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। तो दोस्तों ये जो वायर है इसमें प्लस माइनस नहीं देखना है, इसको सिर्फ अटैच करके देखना है कौन से वायर में हमारा कनेक्शन है। तो इसको ऐसे अटैच करेंगे, इसको यहाँ से देखिए सभी वायर में इसमें अटैच किए हैं तो इसमें हमारा तो नहीं बता रहा है कुछ। और फिर इधर से हम प्लॉट करके देखेंगे, इसमें भी हमारा कुछ नहीं बता रहा है। और उसके बाद में ऐसे इसको आपस में अटैच करके फिर इधर देखेंगे, फिर इसमें भी नहीं बता रहा है। फिर इधर से भी देख लेंगे, लग रहा है कि दोस्तों ये हमारा ख़राब हो गया। देखिए इसको ऐसे भी देखिए दोस्तों, ये ख़राब नहीं है। यहाँ पर जब यहाँ पर अटैच कर रहे हैं ऐसे, देखिए यहाँ हमारा बता रहा है, यहाँ बता रहा है, देखिए यहाँ हमारा बता रहा है, इसमें हमारा कनेक्शन बता रहा है। इसका मतलब कि जो सीडीआई हमारा ख़राब नहीं है, हमारा कहीं ना कहीं दूसरे जगह पर फॉल्ट है। तो इसको किस तरह से चेक करेंगे, तो दोस्तों सारा चीज़ तो हम चेक करके दिखा दिए कि हमारा मैग्नेट कॉइल भी सही है और आरआर यूनिट भी सही है, और इसका सारा चीज़ हम चेक करके दिखा दिए, फिर भी ये बाइक में हमारा कनेक्ट नहीं बना रहा। मैं आपको लाइव प्रूफ के तौर पर इसको एक बार और दिखा दूँ, नहीं तो कितना आदमी इसको विश्वास नहीं करता है। देखिए इसको बाहर निकाल लिए, बाहर निकालने के बाद में जो हमारा व्हाइट कलर का वायर है इसमें हम एक वायर अटैच कर लेंगे। जब किक प्रेस कर रहे हैं देखिए, तो इसमें हमारा करंट आ रहा है, इसका मतलब मैग्नेट कॉइल सही है। फिर भी मैग्नेट कॉइल सही है, फिर भी इसको हम चेक करके देखेंगे, क्योंकि सारा चीज़ तो हम चेक कर लिए हैं फिर भी करंट नहीं आ रहा है। तो एक बार इसको चेक करके देखते हैं, अगर यहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसका सीडीआई नया लगा करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसको हम बाहर निकाल करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों जब इसका हम मैग्नेट कॉइल बाहर निकालें तो इसमें हमको क्या प्रॉब्लम मिला, इसका प्रॉब्लम यही मिला कि यहाँ पे देखिए हमारा जो पिकअप कॉइल है, पिकअप कॉइल में आपको दिखाएंगे, देखिए पिकअप कॉइल है, पिकअप कॉइल में बहुत ही ज़्यादा डस्ट भर गया, डस्ट बैठ गया, जिसके कारण चुंबक है हमारा पिकअप कॉइल में प्रॉब्लम कर रहा है, जिसके कारण भी बाइक में करंट नहीं बनाता है। करंट का प्रॉब्लम आता है तो सिर्फ क्या करते हैं, व्हाइट कलर के बारे में, यहाँ से व्हाइट कलर के बारे में चेक कर लेते हैं। मगर दोस्तों अगर पिकअप कॉइल में भी प्रॉब्लम रहता है, पिकअप कॉइल भी अगर ख़राब हो जाता है जिसके कारण भी बाइक में करंट नहीं बनाता है, इसमें तो हमारा प्रॉब्लम यही हमको लगा कि इसका जो इसमें डस्ट फंस गया था जिसके कारण ये करंट नहीं बना रहा होगा। हमको लग रहा है कि जो इसमें डस्ट फंस गया था जिसके कारण भी करंट का प्रॉब्लम आता है। तो चलिए एक बार इसको इंस्टॉल करके देखते हैं, अगर यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद में फिर करंट नहीं आता है तो इसका हम क्या करेंगे, पिकअप कॉइल भी चेंज करके देखेंगे और सीडीआई भी इसका चेंज करके देखेंगे। तो चलिए इसको इंस्टॉल करके फिर आपको दिखाते हैं। तो इसका हम सीडीआई भी इंस्टॉल कर दिए हैं, वही पुराना वाला सीडीआई है, और जो हम मैग्नेट कॉइल है इसको, जो वायर है इसको भी इंस्टॉल कर दिए हैं। अब से देखिए अब इसका हम चाबी भी ऑन किए हैं, अब देखेंगे जो इसमें डस्ट फंस गया था हमारा, जो पिकअप कॉइल में डस्ट फंस गया था उसके वजह से भी हमारा जो करंट में प्रॉब्लम होता है। अगर वहाँ से प्रॉब्लम नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसका सीडीआई इसमें नया लगाएंगे और पिकअप कॉइल भी नया लगाएंगे। तो इसका चाबी ऑन है, अब हम यहाँ पर सेल्फ प्रेस करके देखते हैं। देखिए दोस्तों इसमें हमारा करंट बनाने लगा, आपके साथ में लाइव प्रूफ शेयर कर रहे हैं। देखिए इसमें करंट बनाने लगा, सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ सीडीआई में हमारा प्रॉब्लम रहता है तो करंट नहीं आता है, इसमें और भी बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। देखिए इसका पिकअप कॉइल भी अगर ख़राब होता है तो बाइक में करंट का प्रॉब्लम आता है, मगर ये मैकेनिक जल्दी आपको नहीं बताता है। पिकअप कॉइल हमारा सही था मगर इसमें हमारा डस्ट फंस गया था जिसके कारण में ये हमारा प्रॉब्लम हो रहा था। अगर इस तरह से आपके पास प्रॉब्लम है, अगर यहाँ से डस्ट साफ करने के बाद में भी ये नहीं हो रहा है तो इसका पिकअप कॉइल चेंज करके देख लीजिएगा, क्योंकि पिकअप कॉइल सस्ता मिलता है और जो सीडीआई है, सीडीआई बहुत महंगा मिलता है। सारा चीज़ हम इंस्टॉल कर दिए हैं, प्लग भी इंस्टॉल कर दिए हैं, अब एक बार स्टार्ट करके देखते हैं कि बाइक हमारा स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।